हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि है नवोदय विद्यालय समिति की नोटिस। नवोदय विद्यालय ने जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आपका जो फॉर्म होगा 2 जुलाई से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए है। तो रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंसिपल पोस्ट, पोस्ट की जो टीजीटी जिसे आप कह रहे हैं, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कितनी सीटेज हैं, तो प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व में 7 सीटेज हैं और ईडब्ल्यूएस में जो है 1 सीटेज हैं। ओबीसी में 3 सीटें हैं। और वहीं अगर हम बात करें पीजीटी टीचर्स के लिए, तो पीजीटी टीचर के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे विषय में अलग अलग सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। आप आवेदन इसके अनुसार कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारा डिटेल इसका देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और काफ़ी अच्छी जॉब भी होती है। यहाँ पे आपको रहने खाने हर चीज़ की सुविधा मिलती है और काफ़ी सम्मानपूर्ण जॉब है। आपको नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। यहाँ पे आपके ग्रोथ के चांस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टीजीटी के लिए पोस्ट देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडीज है। अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या क्या आपका लगेगा, एकेडमिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ और इसके साथ बीएड होना चाहिए अथवा इसका इक्विवेलेंट कोई टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अगला देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट। आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन किसी से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री अथवा बायो केमिस्ट्री से मास्टर होना चाहिए। मैथ के लिए मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। इसी अकॉर्डिंग सारे विषयों का यहाँ पे दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस पे पीजीटी की अभी से प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा हम एनबीएस की भी टीचिंग स्टार्ट करेंगे, केबीएस का तो हमारा चल ही रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लास को डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे वन बाय वन करके। अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने नंबर आप पोस्ट हैं, पोस्ट कोड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम सिटीज़ की, तो यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी भी दी हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम सिटी होंगे, जो प्रिंसिपल पोस्ट है उसके लिए दिल्ली एनसीआर ओनली है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर है केवल। और इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे गिवन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। एग्जामिनेशन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम पीजीटी पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 10-20 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का देखिए कितना स्कोर रखेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी। कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर का पार्ट 10 नंबर का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा। डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस एज इन एनबीएस बिठाई अंडर रिक्वायरमेंट हेडिंग, ये कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का, यानी जो आपका सिलेबस होगा ये कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का। अगला होगा जनरल कॉम्प्रिहेंसिव सर, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 मार्क का होगा प्रत्येक सब्जेक्ट, यानी 20 मार्क का होगा और इसको क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य होगा। जब तक आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पार्ट को क्वालिफाइड नहीं करेंगे तब तक आपका जो सब्जेक्ट है उसको मान नहीं होगा, आप भले ही उसमें पास क्यों ना रहें। तो इसके लिए याद रखिएगा कितना इम्पॉर्टेंट है आपका।
सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, कंपोनेंट आपने टेस्ट दिया है, नंबर आप क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग एबिलिटी क्या क्या दिया है आपका, सारा यहाँ पे डिटेल चीज़ें मिली हैं, आप उसको देख लेते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो टोटल प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का आपको प्रश्न आएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं कब ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई का ओपन होगा, और लास्ट डेट क्या होगा आपका, लास्ट डेट होगा फिर क्लोज हो जाएगी 22 जुलाई को। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ़।